नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। टेस्टिस या अंडकोश में दर्द कभी भी नॉर्मल नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में कोई चोट के कारण दर्द की शुरुआत होती है। टेस्टिकल्स में दर्द कभी कभी बहुत तेज होता है तो कभी लगातार बना ही रहता है। अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए तो अंडकोश हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। टेस्टिस बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। इसमें हल्की चोट भी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकती है। टेस्टिस में पुरानी चोट भी कभी कभी उभर कर सामने आ जाती है। अगर टेस्टिस में चोट की वजह से दर्द है तो इसका जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए। घरेलू उपाय के भरोसे कभी न रहें, इसकी वजह से नपुंसकता भी आ सकती है। वहीं छोटी आंत का कुछ भाग जब नीचे की तरफ आ जाता है तो वो अंडकोश में प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। इसे ग्रोइन हर्निया भी कहते हैं। इसकी वजह से अंडकोश में तेज दर्द और सूजन हो सकता है। ज्यादातर भारी सामान उठाने की वजह से ऐसा होता है। वहीं वर्कआउट करते वक्त भी सही स्पोर्ट्स सपोर्टर पहनने की सलाह दी जाती है। टेस्टिस में दर्द का कारण टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए हमेशा सतर्क रहें। अगर अंडकोश में कोई गांठ है या आपके अंडकोश में लगातार दर्द और सूजन है तो इसकी तुरंत जांच करवाएं। टेस्टिकुलर कैंसर अंडकोश से शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। बता दें कि टेस्टिकुलर कैंसर का सफल इलाज हो सकता है। वहीं एपिडेमिटिस की समस्या में टेस्टिकल्स की नसों में जलन और दर्द होने लगता है। इसका कारण चोट या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान इन्फेक्शन से भी ये परेशानी हो सकती है। सामान्यतः ये परेशानी 18 से 35 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। वहीं ऑर्चिटिस टेस्टिकल्स में होने वाली समस्या काफ़ी गंभीर है। इसकी मुख्य वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें भी जलन और दर्द होता है। इसकी वजह से अंडकोश में सूजन और दर्द होता है। इसका भी वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो ये अंडकोश की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए टेस्टिकुलर पेन को कभी भी इग्नोर ना करें। इसकी वजह से आपके अंडकोश की क्षमता खराब हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।